पहले तो सबसे पहले हम स्पिक में के संस्था के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि संस्था जो है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट्स अमंगस्ट यूथ SPICMACAY स्पिक में के इसका है फुल फॉर्म है। ये संस्था 1977 में फॉर्म किया गया था आईआईटी दिल्ली में 1977 में। कितने साल हो गए 44 हो गए पक्की बात है मैंने अंदाजा लगाया था। सो इट्स बीन 44 इयर्स दिस सोसाइटी इज वर्किंग रिगरसली टू प्रमोट आवर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अमंगस्ट यूथ। उसी के ही उसी की वजह से हम आपके समक्ष आए हैं। तो हमारा स्पिक की संस्था से जुड़ने का उद्देश्य जो है वो यही है कि आप लोग को आपकी अपनी संस्कृति से रूबरू कराएं। ये हम कर रहे हैं इसलिए सिर्फ हमारा ही नहीं ये हम सबका है और हम सबको गौरव महसूस होना चाहिए। इसको अगर आप किसी से भी शेयर करते हैं आपको फख्र महसूस होना चाहिए कि आपके भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है जिसकी तरह से हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व में जाना चाहिए। जो राग आप सुन रहे हैं वो कोई 150 साल पुराना राग है हजारों साल पुराना राग है और आज तक चला है इसलिए इसे शास्त्रीय संगीत कहा गया है। तो उसके तहत स्पिक में के संस्था का उद्देश्य ये है कि वो हमारे जैसे अनेकों कलाकार को आपसे रूबरू कराती है उनके कला से आपको रूबरू कराती है और आपको भी मौका देती है कि आप कुछ कोई ऐसी जिज्ञासा हो आपके अंदर कोई ऐसा प्रश्न हो संगीत से संबंधित तो वो आप पूछ सकें जिससे कि हम इस पर्टिकुलर सेशन को इंटरेक्टिव बना सकें। राइट तो आप लोग वैसे संगीत कौन कौन करते हैं सभी हैं जो हम भी करते हैं। आपके अंदर ऐसे सवाल तो बहुत होंगे कोई भी आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हाथ खड़े करें और अपना नाम बताएं और उसके हाँ जी सर मेरा नाम परिधि है परिधि सर राग श्री गाते हुए अक्सर कलाकार ऐसे कौन से अंग का प्रयोग करते हैं जो श्री में नहीं होना चाहिए जैसे हम लोग संगीत से हैं तो कौन सा ऐसा चलन है जो राग श्री में हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा ऋषभ जो है वो बहुत स्ट्रेट में लगता है उसमें साथ ही बदल चाहिए
उपजन अलंकार में तो सीधा जाओ जरे ज्यादातर लोग बदल ऐसा आ जाते हैं लेकिन Thank you.
हम लोग मोस्टली प्रचलित दो ही हैं, बुढ़िया धनाश्री। हम नहीं बताएंगे किसी नहीं बताएंगे ये क्या होता है किसी भी कलाकार का। हम लोग जो बिलोंग करते हैं सिर्फ हमारे पीछे 460 का इतिहास है और सातवीं पीढ़ी है, तो यही हमारा खजाना है। अगर सारा खजाना खोल के यही रख दिया तो बाहर क्या कि जब हमने अपनी ना प्रारंभिक शिक्षा शुरू किया संगीत की शिक्षा की, आज तो आप लोग को ये सब प्रकार के राग तुरंत सुनने को मिल रहे हैं, सीखते हुए आपको 6 महीने तो भी नहीं हुए और आपको कई सारे रागों की पहचान दी जा रही है। हम लोगों ने ना 6 साल तक सिर्फ भैरव और निर्मल गाया है और कुछ नहीं सिखाया। सवेरे उठो भैरव गाया था, शाम को जरा हर लेकिन फिर गया उंगली पे काउंट कर करके तान कराने 1,000 times और भैरव और यमन के अलावा कुछ नहीं है 6 साल तक। उसके बाद जब उनको लगा कि अब इनको और कुछ सिखाना चाहिए तब हमें उसी रागों की तालीम दी गई और उससे पहले उनसे पूछना भी लग चुका है जो कहा गया उसको करते रहो। तो जो अनुशासन में रहकर अपने गुरु का गुरु की बातों को अपने अंदर आत्मसात करेगा, उसको मानेगा, उसके बनाए हुए रास्ते पर चलेगा, उसको अपने आप ही एक कहावत है कि एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए। तो हमें वो दो राग गाते गाते हमें हर रागों का धीरे धीरे अपने आप ही नॉलेज होने लगा कि उसको कैसे गाना है उसको कैसे गाना है। तो उसके जब आपको कोई चीज नई चीज सीखनी होती है तो उसके पीछे आपको रिसर्च करना चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए लोगों को सुनना, संगीत की पुस्तक पढ़ना और उसके बाद अपना एक आंकलन करना, बायस होकर के सोचना, खुद एक दिमाग से सोचना और हर तरीके के घराने के संगीत को एक्सेप्ट करना। आज हम भले ही बनारस घराने की जरूरत है लेकिन हम अपने आप को हिंदुस्तान घराने के बारे में हमारे लोगों ने हमें तालीम दे दी थी कि औरों को भी जाकर सुनो और उनके संगीत में से जो चीज तुम ले सको उसको अपने संगीत में डालो। तो जिसको सुनने जा रहे जरूरी नहीं कि वो बनारस घराने का ही, वैसे तो हम लोग हिंदुस्तान घराने के होंगे, कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो गई। अच्छा अच्छा उन्होंने कहा एक छोटा सा भजन सुना दीजिए। दरबारी तो थाट है, दरबारी क्या है, किस अर्थ से है? तो आसा थाट किसको कहते हैं? पेरेंटल्स के जो और रागों को जन्म देता है। अब क्या है कि जैसे मारवा पूजा सोमी तीनों राग में एक ही स्वर रखते हैं तो क्या तीनों एक ही राग होते हैं? चलने फिरने का तरीका, एक ने सूट बूट पहन के रखा हुआ है, एक कुर्ता पजामा में है, एक शॉर्ट्स में है, अब फर्क पड़ेगा कि नहीं पता चला? भाई बाकी माता बड़ी आंटी से पूछो कहने का मतलब ये है कि जब एक थाट में से निकले हुए जैसे राग भैरव थाट में से राग भैरव भी निकला है तो रामकली भी निकला है तो नट भैरव भी निकला है तो बैरागी भैरव भी निकला है तो अयोध्या भैरव भी निकला है। तो अब इसका उसको क्या एक ही पेरेंटल स्केल ना, पेरेंटल स्केल क्या होता है सीधा सातो आना जाना राइट। अब उसमें से ये तो संगीत वारिशियों का एक सोच है कि एक सबसे पहले थाट बनाया और फिर उसके अंदर से राग निकला और वो रागों को गाने का तरीका गुरु के सानिध्य में बैठ कर बोला किसी को तब पता चलेगा कि यही थाट में से 4 भिन्न भिन्न राग अलग अलग समय के हैं और फिर भी उसको गाने का तरीका बोलता नहीं, देखो थोड़ी थाट का राग
शाम को गाया जाता है, लेट आफ्टरनून है ना, और थोड़ी कब गाया जाता है बताओ, 12 बजे जो का है जो कॉस का समय है और एक माध्यम कौन से कैसा नाम है और धैर्य को तो लोगों ने ना समर्पित करके समापन कर दिया पूरे फेस्टिवल समापन करो जबकि बेचारी धैर्य तो 12 मतलब 24 घंटे गाए जाने वाला राग है इसलिए उसको समापन कर दिया और बालकोस को तो एकदम साइड कर दिया कि भैया शाम आपको गा लेना कभी कदा जबकि बालकोस भी एक ऐसा राग है जो कि 24 घंटे कभी भी गाया जा सकता है। आठों प्रहर में कभी भी गा सकते तो अब जब आप और सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या, आप तो संगीत सीख रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है सुरों का और लय का ज्ञान बटोरो, राग कौन क्या है वो उसमें से ये क्या निकला उसमें से ये क्या करे, हू केयर्स, जो गुरु बता रहे उसके उस पे काम करने का, पहले स्वर और लय और पेशेंस की साधना करो, धीर धरे सो करे पार, जितना धीर धरोगे उतना दिखेगा। दो चीज जिंदगी में हमेशा याद रखो, रुकना और झुकना, बस। और सुर को देखो जो सीख रहे हो उसको साधो, पुरुषार्थ पूरा करो, सब कुछ अपने आप आने लगेगा, सबका भेद अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें से ये क्या है वो क्या है, कुछ जानकारी तुम्हें पता नहीं, हम लोग ने भी ये जो मैं कह रहा हूँ ना ये अपने आप एम्पाइक हो रहा है, हमने एक ही चीज गुरु के हमने बैठ कर नहीं बताया, लेकिन हमको जो बताया कि ये करो तो उसको बस अनुशासन तरीके से करो, उसके बाद देखो अपने आप ही ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। रियाज ही तुमको सिखाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है, सबसे बड़ा रियाज हुआ है, चलो अच्छा ठीक है नाश्ता पानी करा दो,
तो ऐसे पाले गए हैं हम, तब हम कुछ हक से ही बात कर रहे हैं। पर वो ये बताया गया था, तब हमारे दादाजी से भी हमने तारीफ बहुत की, तो वो बोलते थे कि बेटा एक थाली भर के खाए गाय कितना है, जिस दिन गाना नहीं उस दिन खाना नहीं। अपने अंदर के अनुशासन को हमें ढालना पड़ेगा। ये कोई वो सजा नहीं दे रहे, वो तौर तरीके बता रहे जी। इसमें साबित नहीं करना है सुर को, जो है वो तुमको अपने आप को साबित करना। अलंकार स्वर लय ये चीज को पहले अच्छे से पक्का करो। जो भी राग सीख रहे हो उसमें तुमने अलंकार को सीखे हुए कुछ ताने जी, बस उसके तालों को शुरू हो करना। और जितना रोक के गाओगे उतना अच्छा देख सको। जितना फास्ट प्रयास करोगे उतना ही तुम्हें अपनी कमियां दिखेंगी। देखो तीर धनुष जो होता है वो है ना, जितना तेज खींचोगे पीछे की तरफ उतनी तेज जाएगा, और जैसे खींच के वही छोड़ के गिर जाएगा। रुकना सीखो पहले, इस काम को करने के लिए आपको अंदर से रुकना पड़ेगा। जो नहीं रुकेगा उसको मिलेगा ही नहीं। वो एक लेमैन एक ऐसा गायक हो सकता है कि हाँ चार पैसा एक्स्ट्रा कमा ले रहा है और पब्लिक में अच्छा नाम हो गया सब है, लेकिन क्या है कि आपके गाने में अगर तहसील नहीं हो तो आप कहीं गले। हमारे गुरु जब गाते थे ना बचपन में, हमारी दादी बताती थी कि बेटा जब तुम्हारे पिता रियाज करते थे तो मोहल्ले के जो गायक घूमती थी ना वो भी रुक के सुनती थी और आँख से पानी गिरता था। वो तहसील था हमारे गुरु की गले। तो जिस जगह पे हैं आप लोग, आपके गुरु ने ऐसा काम किया है आप सबको एक साथ रखते यहाँ पे, उसका आनंद लीजिए और आनंद में जितना रहेंगे उतना संगीत आपके पास आ जाएगा।